और यहाँ पर ना मैंने कढ़ी रखी हुई है बॉइल्ड करने को। अभी इसको तड़का वगैरह मैंने नहीं लगाया, अभी लगाना है। और इस तरफ बर्तन वगैरह हो गए जो ब्रेकफास्ट वाले होते हैं, और जो मसाला मैंने रेडी किया उसका। और यहाँ पर मैंने भिंडी कट की है, इसमें प्याज डालूंगी और साथ में शायद थोड़े से आलू, एक दो पीस आलू के डाल दूंगी। और ये वाली भिंडी मेरी बेटियों को बहुत ज़्यादा पसंद है, सिर्फ इसमें डालना है मसाला, मतलब के जीरा वीरा जो भी। और इसमें प्याज और आलू एक डाल दूंगी, एक आलू नहीं, इसमें से दो तीन पीस डाल दूंगी। और यहाँ पर मैंने लिया है, क्या है, जिंजर है, लहसुन है और हरी मिर्च है। ये है हमारी कढ़ी के लिए मसाला। उस तरफ लाइट नहीं पड़ रही ना, इसलिए इस तरफ डार्क हो जाता है, क्योंकि ऊपर ये वाली है कबड। तो अभी हेलो एवरीवन, तो अभी जस्ट मैं आ चुकी हूँ किचन में, और आप सबको मैंने दिखा दिया है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। बस वही प्रिपरेशन करके हटी थी, उसके बाद फिर मैंने किचन में आके बर्तन वगैरह निकाले जो भी मुझे चीज़ें बनानी है उसके लिए। और मैं एक साथ ही खाना बना लेती हूँ, और अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, और मैं 10 बजे अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, कभी कभार इससे पहले भी कर देती हूँ। और आप सब बताओ, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जस्ट आज मेरा मन कर रहा था कढ़ी खाने का, बहुत बहुत दिन हो गए थे मैंने बनाई नहीं थी, और नेक्स्ट डे है संडे, तो संडे को हमारे बन जाता है नॉनवेज, और संडे और मंडे मतलब चल जाता है, तो खा ज़्यादा चिकन बनाते हैं तो फिर दो दिन चलेगा। तो इसी के कारण फिर मुझे लगा चलो कढ़ी बना लेते हैं, कल फिर मुझे अपने लिए सेपरेट कुछ बनाना नहीं पड़ेगा और यही कढ़ी मेरी चलेगी। तो बस वो इसी के कारण मैंने आज कढ़ी बनाई और भिंडे की सब्ज़ी बनाई, और बस यही सब बनाया, और ये सब रेडी करूँगी। उसके बाद मैं थोड़ी देर में बाहर जाऊँगी, बाहर कुछ काम है। दीवार के ऊपर एक प्लांट उगा हुआ है, पहले भी उगता जाता था। जैसे हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं इधर उधर, तो वो लोग ना नीचे कचरा फेंक देते हैं, तो यहाँ पर मैंने ना तड़का वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया। और मैं कोई भी रेसिपी वगैरह नहीं शेयर कर रही हूँ, जस्ट आपको दिखा रही हूँ कुकिंग वगैरह, ठीक है। और फिर ना उनका जो प्लांट्स वगैरह वो नीचे फेंक देते हैं ना कचरा वचरा, तो वहीं से छोटा मोटा जो बेबी प्लांट्स होते हैं जो कुछ भी होते हैं ना, उस दीवार के ऊपर गिर जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने वहाँ से तुलसी निकाली थी, काफ़ी टाइम हो गया, वो तो अभी नहीं है खैर। फिर उसके बाद सेम मैंने कलर का प्लांट वहाँ से निकाला था, अगेन एक प्लांट फिर से हो गया, तो मुझे लगा वहाँ पर दीवार है, दीवार के ऊपर अभी प्लांट हो जाएगा और फिर वहाँ पे कितना ही सारी चींटियाँ वगैरह आनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ से निकाल के मैं पॉट में लगा देती हूँ पहले की तरह। तो फिर मैंने उसको निकाला था और मेरी इस हाउस हेल्पर ने लगा दिया था। बड़ा सा जो गमला होता है ना, वो मैंने क्लीन किया था शायद ऑफ कैमरा, शायद मैंने आपको दिखाया भी होगा, पता नहीं मैंने दिखाया था कि नहीं दिखाया था, मैं खुद से भूल जाती हूँ कि मैंने क्या क्या आप लोगों को दिखाया है वीडियो में। हाँ, गमले में डाला था, उसने हेल्प की थी थोड़ी सी, मैंने निकाला, तो मैं देख रही हूँ। देखो कहते हैं ना, भगवान चाहे तो किसी में भी जान डाल सकता है, और प्लांट के अंदर जान रहनी थी और वो पत्थरों के अंदर देख लो कैसे जान डाल देता है, तो वही बात हो जाती है कि जो हमारा भगवान है ना, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, तो पत्थरों में भी जान डाल देता है। तो वही मैं प्लांट देख के हमेशा सोच लग जाती हूँ कि यहाँ पर देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे तो सीमेंट वगैरह होता है, कहाँ कैसे उगता है पता नहीं चलता है। तो इसी के कारण फिर मैंने उसको निकाला, और जब मैंने निकाला तो वहाँ पे बहुत बहुत सारी चींटियाँ भी थी। और यहाँ पर दूध वगैरह मैं फ्रिज में शायद रखने आई हूँ, और फिर मैं प्लांट वगैरह शायद निकालने जाऊंगी, अभी मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉग मुझे सैटरडे शाम को अपलोड करना था, बट आज मंडे आज अपलोड करूंगी, और मैं एडिट भी अभी कर रही हूँ दोपहर को। और ये वाला प्लांट मैं बोल रही थी अभी जस्ट, मैंने आपको बोला है ना, तो आप देखो इसमें बहुत सारी चींटियाँ थी, वो तो मैं नज़दीक करके नहीं दिखा पाई, और मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी है ना चींटियों से, मुझे देखने से टेंशन हो जाती है, क्योंकि मुझे ना पता नहीं माइंड में चला जाता है कि मेरे ऊपर चींटियाँ चढ़ गई, और मुझे इचिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी के ऊपर, इतने ज़्यादा ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ इनको देखकर ही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझे, मेरे एक भी चींटी चढ़ जाती ना मेरे
फेस के ऊपर या बॉडी पर कहीं पर भी, तो वो राउंड राउंड शेप बन जाता मेरे फेस बॉडी के ऊपर, वो पता नहीं उसको क्या स्वेलिंग जैसा हो जाता है, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने फिर उतारे कपड़े झाड़े, उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर चढ़ी है कोई ना कोई, जबकि चढ़ी भी नहीं थी। और यहाँ पर और एक आदमी था जो जिस दीवार से मैंने निकाला, उस दीवार पर ना बैक साइड का जो घर है ना बिल्डिंग, उनके प्लांट्स बहुत सारे, बड़ी बड़ी बेल आई हुई थी हमारी तरफ और पूरा कचरा गिरता रहता, तो उसी को बुला के वॉचमैन से मैंने क्लीन करवाया था। उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, उसको बोला मैंने इधर से कट करो और अपने जो प्लांट्स हैं उस तरफ लगाओ, हमारी तरफ पूरा घर इस तरफ आ जाता और सफाई करनी पड़ती इतनी ज़्यादा। तो फिर उसने पूरा कट किया और अपनी तरफ उसने पूरी बेल ना उस तरफ कर ली, तो बस मैंने अपना इधर से सफाई की। और फिर उसके बाद फिर मैं अगेन किचन में चली गई थी, क्योंकि अभी खाना बना नहीं, अभी बन रहा था तो अभी टाइम था, तो मैं आ गई थी इस तरफ। मुझे लगा जब तक वो हो रहा है तब तक मैं इस तरफ आ जाती, तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, आ गई हूँ किचन में, जा नहीं रही हूँ, अभी आ गई। तो अभी सब सब्जियों में मसाले वगैरह डाल दूँगी कड़ी में, और कड़ी में सब्जी में सब में मसाले डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी, और फिर मैं बनाऊँगी बाद में राइस और रोटी, और ऑफ कैमरा शायद बनाऊँगी रोटी, राइस मैं अभी बना लूँगी। और फिर करने के बाद राइस तो पता नहीं मैं अभी बना रही हूँ, हाँ मैं अभी बनाऊँगी रोटी बाद में बनाऊँगी। करने के बाद फिर मैं बाहर जाऊँगी थोड़ा सा, बाहर मतलब अपनी मेरी हाउस हेल्पर आ जाएगी, मैं उसी की वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए, तो उसको फिर मैं ना वो प्लांट लगाने को दे दूँगा। और मैंने वीडियो काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर दिया यहाँ पे, और ब्लॉग एडिट करने को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि सैटरडे को मैंने सोचा था करूँगी, फिर मैंने इसको आधा तो एडिट कर लिया था, आधा फिर एडिट करना बाकी था, फिर वॉइस ओवर देनी थी। फिर संडे को हम लोग गुरुद्वारा साहिब चले गए, फिर सोचा था मैं रात को अपलोड करूँगी, रात को वॉइस ओवर दूँगी, तो भी टाइम नहीं लगा, फिर मैंने रहने दिया। तो अभी जस्ट बैठ के दोपहर को ना कर रही हूँ, रात को मैंने एडिटिंग कर ली थी, मतलब जो भी मेन मेन पार्ट होते ना कट वट करना होता है वो सब कर लिया था, बस वॉइस ओवर देनी बाकी थी। रात को फिर ना बाहर हमारे जो साइड में कुत्ता है बहुत ज़्यादा भौंकी जा रहा था बार बार, मैं वॉइस बंद कर रही हूँ, फिर से मुझे एडिट करना पड़ रहा है वॉइस को, वॉइस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही थी, जिसके कारण मुझे गुस्सा भी आ रहा था, ये कुत्ता है कि क्या है, पूरा दिन भौंकता ही रहता है, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस करके रखा है। हमारी साइड का नेबर्स का कुत्ता है, वो बहुत ज़्यादा भौंकता है पूरा दिन। तो अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर, और सब्जियाँ ऐसे मैंने रखी है कि थोड़ा ठंडी हो जाएगी, जितनी खानी होगी रख लूँगी, उतने बाकी की फ्रिज में रख दूँगी। और मैं एक बॉक्स लेकर आई हूँ कड़ी डाल के, क्योंकि मम्मी हमारे ऊपर रहते हैं तो उनको देने के लिए हम लोग खाना एक्सचेंज कर लेते हैं, कभी कभार अच्छा लगता ना एक दूसरे के हाथ का खाना, तो हम लोग चेंज करते हैं और ऐसे ही खा लेते हैं, और अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी अपना अपना, कभी कभार अलग हाथ का खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरी हाउस हेल्पर है जो आउटसाइड ही झाड़ू लगाती है, और जो आउटसाइड जो क्लीनिंग होती है ना जितनी भी वो करती है, और मैं प्लांट को मुझे लगा चलो एक बार वॉश कर देती हूँ, धूल पड़ी हुई है तो वो सब क्या, और इसके ऊपर भी चींटियाँ मुझे नज़र आई एक दो, और मुझे लगा मेरे ऊपर चढ़ गई, वही मैं चेक कर रही हूँ अपने पर, देखो मैंने नेक पे हाथ लगाया, मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है चींटियाँ देखकर। और इसने प्लांट लगा दिया, और मैंने थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल दिया ताकि वो अच्छे से मिट्टी के अंदर अपनी प्लेस बना ले, अपने रूट्स जमा ले, तो इसलिए मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया। और यहाँ पर अगेन मैं अंदर आई, और बुद्धा जी हैं मेरे पास यहाँ पर, दो तीन और छोटे छोटे गणेश जी हैं, तो वो मैं साफ एक दो दिन में, बीच में एक दो दिन कर देती हूँ ऐसे छोड़ छोड़ के, ताकि ना साफ सुथरा रहे, गंदा ना हो। तो बस अभी आप मेरा वीडियो एंजॉय करें। अब गर्मी बहुत ज्यादा है ना, और ऊपर से मैं मेडिसिन भी खा रही हूँ।
और मेडिसिन खा रही हूँ, साथ में मैं क्या खा रही हूँ, ड्राई फ्रूट भी खा रही हूँ, उसके कारण ना गर्मी हो जाती है बॉडी में। शायद मैंने आपको बोला था ना, नहीं मैंने लास्ट ब्लॉग में ना सब कुछ बताया था ऐसे बैठ के, अपना फाइल भी दिखाया था डॉक्टर वाला जो होता है, बट फिर वो जो मेरा वीडियो था ना 14 मिनट्स का हो गया था, तो मैंने वो ऐड भी किया तो कट कर दिया। जो मेरा रिपोर्ट आया बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, और मैंने बोला था ना कि मेरे को मेडिसिन शायद सूट नहीं करी, वो लास्ट ब्लॉग के पहले के एक ब्लॉग में मैंने बताया था, क्योंकि मुझे मेडिसिन नहीं सूट हो रही थी, तो मुझे लगा चेंज करना पड़ेगा, तो मैं डॉक्टर के पास गई। ऐशो गाना चल रहा है, मैं कॉपीराइट आ जाना, काट एक मिनट। उसने गाने लगाए हुए हैं, तो अभी जस्ट उठी है, वो टाइम देखो 12:40 हो गए, अब जब उठी फटाफट बंद कर, मेरे को साउंड आ रहा है। फिर डॉक्टर ने बताया था कि स्टमक में गर्मी हो सकती है क्या, आप ध्यान दो, उसने मेरी आँखें चेक की और थोड़ा बॉडी का सिम्टम वगैरह जो होते हैं ना वो पूछा, तो मैंने देखा कि मेरे मतलब थोड़े थोड़े से दाने भी हुए थे बॉडी में, तो बोले ओवर हीट हो सकता है, तो आप एक बार वो ठीक करो। तो फिर मैं डेली पानी पी रही हूँ और वो सब जो भी डॉक्टर ने बोला था वो सब कर रही हूँ, तो मुझे मेडिसिन सूट हो रही है। बस रिपोर्ट सही नहीं था, उसी का मेडिसिन है, वो देखते हैं अभी धीरे धीरे ठीक होगा, उसी की वजह से मुझे बोला है पानी जाओ पीने को। और हाँ मेरा काम सब हो गया, मैंने खाना भी बना लिया, वो तो आपने देख लिया, राइस भी बना लिया, आटा मैंने ऑफ कैमरा गूंद लिया था, अभी जस्ट गूंद के बाहर जो प्लांट लगाया ना उसको लगाने के बाद फिर मैं आकर फटाफट आटा गूंदा, और फिर मैंने ये भी वाला वीडियो के जितने भी इसमें आए ना क्लिप वो सारे मैंने कट कट करके मैंने उतनी देर में किए, मतलब मैंने 11:30 तक वो हो गया था, उसके बाद 11:30 to 12:40 तक मैंने ये सब अपना कट वट वीडियो का किया। अभी फाइनल कटिंग इसको मैं वॉइस ओवर करने के पहले करूँगी, और तभी वॉइस ओवर दूँगी। आज डे क्या है, सैटरडे है, और आज सैटरडे है, तो अगर मैं शाम तक, अगर मैं दोपहर को नहीं सोई या मुझे साउंड पोल्यूशन नहीं नज़र आया ना, मतलब नहीं हुआ, अगर लगा कि नहीं आएगा कॉपीराइट या कुछ भी साउंड नहीं आया, तो मैं वॉइस ओवर दे दूंगी बैठ के, और उसको वॉइस ओवर मैं कितना फास्ट बोल रही हूँ, वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जा रहा है, और वीडियो मैं वॉइस ओवर दे दूंगी, तो आज ही अपलोड कर दूंगी 8 बजे, नहीं तो फिर कल संडे को अपलोड करूँगी। मेरे पास पहले ना कितने सारे ब्लॉग होते थे, क्योंकि मैं एवरीडे शूट करती थी, और मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा भर गया और हैंग होने शुरू हो गया, और इसकी वजह से अभी मैं डेली वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही, थोड़ा सा छोटा सा शूट करती हूँ वो अपलोड कर देती हूँ, और वैसे भी ब्लॉग कोई देखता भी नहीं अच्छे से इसलिए भी, और बस ये पी लूँ और आप सबको मिलूंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।